अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप लोगों के सीमेंट और सरिये की दुकान है और आप लोग स्केल ढूंढ रहे हैं कि कौन सा स्केल आप लोगों के लिए बेस्ट है, तो आप इस वीडियो में आप लोगों को ये स्केल दिखाने जा रहा हूँ। इस वीडियो में आप लोगों को स्केल से रिलेटेड सारी कंप्लीट डिटेल में बताऊंगा कि इसमें लोड सेल कितने टन के लगे हुए हैं और चैनल का कितनी गेज का चैनल लगा हुआ है, कितने इंच की चौड़ा चैनल लगा हुआ है और ऊपर की प्लेट कितनी मोटी है और इस प्लेटफॉर्म का साइज़ क्या है। तो इस वीडियो में आपको सीमेंट और सरिये बजरी वगैरह के लिए जो स्केल आप लोग इस्तेमाल करते हैं उनकी कंप्लीट डिटेल बताऊंगा। उसके अलावा हम लोगों के पास हर तरह का वेट स्केल जो है वो आप लोगों को हमारे पास से मिल जाएगा। हमारी कंपनी का नाम केयर इंटरनेशनल स्केल है और ये आप देख सकते हैं, हर तरह का वेट स्केल आप लोगों को हमारे पास से मिल जाएगा। तो अगर आप लोग कोई भी स्केल परचेज करना चाहते हैं तो ऊपर हमारा नंबर दिया गया है, आप लोग अच्छी कीमत में हमारे से ले सकते हैं। तो चलें दोस्तों, सीमेंट और बजरी के लिए कौन सा स्केल बेस्ट है उसकी आज मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल बताने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक मुकम्मल देखते रहें। अगर आप लोग सीमेंट या सरिये वगैरह की आपकी शॉप है और आप लोग 30 इंच बाई 30 इंच का हैवी ड्यूटी प्लेटफॉर्म परचेज करना चाह रहे हैं, इसमें आप देख सकते हैं 30 इंच बाई 30 इंच का प्लेटफॉर्म है और हमने इसमें 4 लोड सेल लगाए हैं 2000 kg के। ये मैं उठा के आपको दिखाता हूँ, 2000 kg के 4 लोड सेल, काफ़ी भारी प्लेटफॉर्म है ये। आप देख सकते हैं इसका चैनल मैं आपको चेक करवा दूं पहले, ये इंची टेप से ये जो है 3 इंच का चैनल है, 3 इंच का चैनल लगा हुआ है, 1 2 3, 3 इस साइड पे चैनल लगे हुए हैं। इसी तरीके से 1 2 3, ये 3 इस साइड पे चैनल लगे हुए हैं। प्लेटफॉर्म का जो साइज है ये आप देख सकते हैं, 30 इंच इसकी लंबाई है और इसी तरीके से 30 इंच इसकी चौड़ाई है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर भी, ये 30 इंच इसकी चौड़ाई है। तो इस 2000 kg के इसमें 4 लोड सेल लगे हुए हैं, ये हैवी ड्यूटी लोड सेल हैं। ये लोड सेल भी मैं आपको दिखा दूँ, ये 4 लोड सेल लगे हुए हैं और क्वालिटी वाइज ये लोड सेल बहुत ज़्यादा एक्यूरेट हैं। और ये अगर प्लेटफॉर्म आप लोग हमारे से परचेज करना चाहते हैं, इसके साथ इंडिकेटर भी जो आप कहेंगे वो हम आपको दे देंगे। और इसकी जो ये आप देख सकते हैं, एक प्लेट भी काफ़ी मोटी और चेकर प्लेट लगी हुई है इसके ऊपर, चेकर प्लेट है और काफ़ी मोटी है। तो इसके ऊपर अगर आप 2000 kg या 2500 3000 kg भी आप इसके ऊपर वजन डालेंगे तो ये इसमें कोई मसले की बात नहीं होगी। तो अभी जो है ये हमारा अभी हम कस्टमर को पास ले भेज रहे हैं इसको। तो इस तरीके से केबल जो है इसकी काफ़ी लंबी केबल है इसकी, ये आप देख सकते हैं, ये केबल यहाँ तक जा रही है। हम सारे कनेक्शन वगैरह करके और फिर ये बिल्टी हम इसको करवा देंगे। इस तरीके से काफ़ी लंबी केबल है ये, आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा लंबी केबल है। और इसको जो है हम प्रॉपर तरीके से यहाँ पर फोल्ड कर देंगे और फोल्ड करने के बाद इसके पास एक इंडिकेटर होगा। जब इंडिकेटर आपके पास आएगा तो आपने इंडिकेटर किस तरीके से आपने करना है, ये सिंपल इसका कनेक्टर है, कनेक्टर को आपने पीछे कनेक्ट कर देना है। तो इस तरीके से इसकी ऑलरेडी कैलिब्रेशन है और कैलिब्रेशन जो है हमने अपने डेड वेट जो कि गवर्नमेंट से पासशुदा डेड वेट है उसे हमने की हुई है। तो ये स्केल था, अगर आप लोग परचेज करना चाहते हैं तो ऊपर हमारा नंबर दिया गया है, आप लोग अच्छी कीमत में हमारे से ये स्केल परचेज कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जी फ्रेंड, ये स्केल जो है इस टाइम बिल्कुल जाने के लिए तैयार है, इसको हम अभी बिल्डिंग करवा रहे हैं।